गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल आईटीआई फीटर एम के माध्यम से स्टील रूल के बारे में जानेंगे कि स्टील रूल क्या है। तो ये जो चित्र देख रहे हैं इसी को हम स्टील रूल या इंजीनियरिंग स्टील रूल बोलते हैं। इंजीनियरिंग स्टील रूल का प्रयोग है कार्यखंड मतलब वर्क पीस की माप लेने के लिए करते हैं। इसी को हम इंजीनियरिंग स्टील रूल बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं तो यह एक इंजीनियरिंग स्टील रूल है। इंजीनियरिंग स्टील रूल का प्रयोग है कार्यखंड मतलब वर्क पीस की माप लेने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं यह एक वर्क पीस है, कार्यखंड है, तो इसका माप लेने के लिए हम इंजीनियरिंग स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका माप है 65 mm और इसका जो लंबाई है 160 mm है। स्टील रूल स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये जो स्टील रूल है तो स्टील रूल स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यह रूल विभिन्न लंबाई में मिलते हैं जैसे 150 mm, 300 mm, 600 mm और 1000 mm में। ये जो स्टील रूल है यह विभिन्न लंबाई में मिलते हैं जैसे 150 mm, 300 mm, 600 mm और 1000 mm। तो ये जो देख रहे हैं यह 150 mm लंबा स्टील रूल है। यहाँ देखिए यह 150 mm लंबा स्टील रूल है। इसके बाद ये देखिए ये 300 mm लंबा स्टील रूल है और ये 600 mm लंबा स्टील रूल है। तो इसी प्रकार 1000 mm लंबाई वाले स्टील रूल भी मिलते हैं। स्टील रूल से 0.5 mm और इंच प्रणाली में 1/64 इंच की सूक्ष्मता में रीडिंग ले सकते हैं। मतलब स्टील रूल के द्वारा हम सबसे कम माप मीट्रिक प्रणाली में 0.5 mm और इंच प्रणाली में 1/64 इंच तक ले सकते हैं। स्टील रूल से हम 0.5 mm और इंच प्रणाली में 1/64 इंच की शुद्धता से रीडिंग ले सकते हैं। तो ये जो ऊपर देख रहे हैं तो यह मीट्रिक प्रणाली में है, तो मीट्रिक प्रणाली मतलब mm में है, तो इसके द्वारा हम 0.5 mm की शुद्धता में रीडिंग ले सकते हैं। और इंच ये जो नीचे देख रहे हैं यह इंच प्रणाली में है, तो इंच प्रणाली में हम 1/64 इंच की शुद्धता में रीडिंग ले सकते हैं। शुद्धता से रीडिंग लेने के लिए इसे खड़ी पड़ना चाहिए जिससे लंबत से उत्पन्न त्रुटियों से बचा जा सके। तो जब भी हम किसी जॉब को स्टील रूल से नापते हैं तो उसे हमेशा खड़ी अवस्था में पढ़ना चाहिए। ये जो देख रहे हैं खड़ी अवस्था में इसका एक्यूरेट मार्किंग है 8.3। ठीक है, अगर हम इसे साइड से देखकर रीडिंग लेंगे तो इसका माप आ जाएगा 8.5 जो कि गलत है। अगर हम इस साइड से देखते हैं, इस साइड से देखकर रीडिंग लेते हैं तो इसका माप आ जाएगा 8.2, यह भी गलत है। तो हमेशा इसे खड़ी अवस्था में ही रीडिंग लेना चाहिए। ये जो स्टील रूल है तो स्टील रूल से किसी वर्क पीस, तो ये जो देख रहे हैं वर्क पीस है कारखंड, तो इस कारखंड को हमें नापना है स्टील रूल की सहायता से। तो इसे हमेशा वर्टिकली पढ़ना चाहिए। तो ये जो स्टील रूल है तो स्टील रूल को पहले हम कारखंड पे रखते हैं और फिर इसे वर्टिकली माने लंबत पढ़ना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं लंबत पढ़ रहे हैं, तो इसका माप है 160 mm। अगर हम इसे साइड से पढ़ेंगे इस साइड से तो यहां लगेगा कि ये 160 mm से कुछ ज्यादा है, और इस साइड से भी अगर हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि यह 160 mm से कुछ कम है। तो इसलिए हमेशा हमें वर्टिकली मतलब लंबत पढ़ना चाहिए। लंबत पढ़ने से जो कार्यखंड का सही माप हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए यहां बोला गया है कि स्टील रूल से शुद्धता से रीडिंग लेने के लिए इसे खड़ी पढ़ना चाहिए जिससे
लंबत से उत्पन्न त्रुटियों से बचा जा सके। तो यहां हम देख रहे हैं यह एक जॉब है, ये जो देख रहे हैं यह जॉब है, और इसे ट्राई स्क्वायर, ये जो ट्राई स्क्वायर है और ये जो स्टील रूल है इसके द्वारा मापा जा रहा है। तो यहाँ गौर से देखिए, इसे जब भी मापा जा रहा है तो यह खड़ी अवस्था में इसे मापा जा रहा है। तो शुद्धता से रीडिंग लेने के लिए इसे खड़ी पढ़ना चाहिए, जिससे लंबत से उत्पन्न त्रुटि से बचा जा सके।